हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए मैथमेटिक्स यानी फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। ओके, आज मैं आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएँ। ओके, वास्तविक संख्याएँ का आज आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, देखिए संख्याएँ हम लोग जानते हैं कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होते हैं, एक काल्पनिक संख्या होते हैं। तो चलिए आप लोग का हम लिख कर दिखाते हैं। ओके, देखिए आपका हो गया ये संख्या। ओके, तो देखिए संख्या आपका दो प्रकार के होते हैं, एक में आ जाते हैं आपका वास्तविक संख्या। ओके, एक में आ जाते हैं आपका वास्तविक संख्या और दूसरा में आपका आ जाते हैं काल्पनिक संख्या, जो कि आपको अभी क्लास मैट्रिक में यानी आपको काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, आपको 11 क्लास से लगभग पढ़ना है, तो हम लोग का भी पढ़ना है वास्तविक संख्या। ओके, क्योंकि आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। देखिए वास्तविक संख्या में आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग अभी जान लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। ओके, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है आपको, पूर्ण संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको परिमेय संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पूर्ण संख्या पढ़ना है। पूर्ण आपका हो गया। ओके, पूर्णांक संख्या पढ़ना है, इस तरह करके आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबका एक एक करके डिफिनेशन जान लेते हैं। ओके, और आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन जान लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह करके अनंत आपका चलते जाएंगे। ओके, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के पहले अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो आपका पूर्ण संख्या बन जाए। ओके, प्राकृतिक संख्या ही है, सिर्फ आगे आपको शून्य लगा देना है। देखिए जैसे 1 से लेकर 5 तक और आगे आप शून्य लगा देते हैं तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएंगे, ये भी आपका अनंत है। ओके, चलिए तीसरा नंबर में है परिमेय संख्या। वो संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो और जिसका वर्गमूल पूरा पूरी आ जाते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √9/16, √4/3। देखिए √9/16 को अगर हम लोग करते हैं तो 3×3 = 9 और 4×4=16 आपका हो जाते हैं, यानी पूरा पूरी आपका कट जाते हैं। ओके, यानी यह आपका परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या आपका अपोजिट हो जाएंगे। देखिए अपरिमेय संख्या वो संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर √3 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएंगे, यानी दशमलव में आ जाएंगे। ओके, वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे वो आपका पॉइंट यानी दशमलव में आ जाएंगे, वही आपका अपरिमेय संख्या है। अब चलिए लास्ट में पूर्णांक संख्या। वो संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, अर्थात उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे −4, −3, −2, −1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आपका चलते जाएंगे। ओके, चलिए और जो बचा हुआ फॉर्मूला है उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। फिर देखिए इस चैप्टर के मुताबिक हमको पढ़ना है युग्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, युग्लिड विभाजन प्रमेय का, युग्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? जैसे देखिए हम ले लेते हैं 1 24 ले लेते हैं और 7 लेते हैं, इसका हम लोग यदि एचसीएफ निकालना चाहेंगे, यानी युग्लिड विभाजन प्रमेय का के अगर दोबारा एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, 24 और 7 तो कितना बार में चलेगा, 3×7=21, आपका 3×7=21 हो गया। आपका बचा कितना, यानी 3 आपका शेषफल बच गया,
ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। तो इसमें से हम लेते हैं कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है और कौन शेषफल है। तो देखिए गाइस, ये आपका हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ओके, और ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया, और हम लोग जानते ही हैं ये वाला आपका भागफल हो गया और ई वाला आपका शेषफल हो गया। ओके, फिर से, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो इस तरह हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी भाजक आपका बी हो गया और भागफल आपका क्यू हो गया और शेषफल आपका आर हो गया। ओके, यानी देखिए भाजक इसको आपको बी से डिनोट किया जाता है। ओके, और आपका भागफल इसको आपको क्यू से डिनोट किया जाता है और शेषफल इसको आपको आर से डिनोट किया जाता है और इसको आपको ए से डिनोट किया जाता है। ओके, आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं। अब फिर देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ यानी से बड़ा, यानी बोलने का मतलब है कि आर बड़ा है जीरो से, यानी आर बड़ा है जीरो से और ये बी बड़ा है आर से। ओके, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर ओ, यानी आर ओ से बड़ा है और बी आर से बड़ा है। तो हम लोग जो मानेंगे यानी आर बी से यानी जीरो से आर बड़ा होना चाहिए या फिर आर से बी बड़ा होना चाहिए। ओके, जब इस तरह के मैथ बनाएंगे तब हम लोग का और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए और जो बाकी है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब फिर देखिएगा गाइस, हम लोग इसी के यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत और एक फॉर्मूला आते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनखंड होते हैं एच सी एफ गुना एल सी एम। तो चलिए आप लोग लिखकर बताते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनखंड, ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड आपको यदि निकालने बोलेंगे तो आपका एच सी एफ और गुने आपका एल सी एम हो जाएंगे। आपको दो संख्या का मान दिया रहेगा, आपको एच सी एफ का मान दिया रहेगा तो आपको एल सी एम निकालने बोलेंगे। आपको दो संख्या का मान दिया रहेगा, आपका एल सी एम दिया हुआ रहेगा तो आपको एच सी एफ निकालने बोलेंगे। ओके, ये तो आपका हो गया। अगर आपको एच सी एफ निकालने बोलेंगे तो चलिए ये आप लगा सकते हैं, यानी एच सी एफ मानी हम इसको इधर ला दिए तो एच सी एफ और उसको उधर चला जाएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड और गुना में है तो आपका बटा में आ जाएगा एलसीएम, यानी आपको एलसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ये तो आपका एचसीएम का हो गया, अगर आपको एचसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सेम हो जाएगा, आपका एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड और बटा में हो जाएगा आपका एच सी एम। ओके, एल सी एम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एच सी एम। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एच सी एम का फुल फॉर्म क्या होते हैं और एल सी एम का फुल फॉर्म क्या होते हैं। देखिए यहाँ देखिए एच सी एम का फुल फॉर्म होते हैं हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाइस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं। ओके, एलसीएम का होते हैं हाइस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका जो वास्तविक संख्याएं का फॉर्मूला डिफिनेशन सब समाप्त होते हैं। ओके, आज मैं आप लोग को
फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और आपका एक नंबर का आपका क्वेश्चन है, बोल रहे 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, आप लोग को फॉर्मूला में सब बता चुके हैं, विभाजन एल्गोरिथम से। फिर लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर ओ लेस देन आर लेस देन b, यानी o से r बड़ा है और b r से b बड़ा है। देखिए इसमें दोनों में से जो सबसे बड़े हैं उसको बीच में रखा जाता है, 135 और 225 में से 225 सबसे बड़े हैं। अब इस पर भाग चलाएंगे, किस पर चलाएंगे, 135 से। देखिए 135 अगर दो बार गुना करते हैं तो 270 आ जाते हैं, तो 270 तो मेरे पास है नहीं, तो हम एक बार में चलाते हैं 135। ओके, पाँच में पाँच गया जीरो बचा, और आपका 12 में तीन चला गया आपका 9 बचा। फिर ऐसे करके आप 135 तो यहाँ ला देंगे। देखिए 90 दुगुनी 180 हो जाते हैं, तो 180 तो है नहीं, इसलिए हम लोग एक बार में चलाएंगे 90 के 90, 5 को 5 आ गया, अब 13 में से 9 चला गया आपका बच गया 4। ओके, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। फिर आपको 90 लेना है, तो देखिए 45 दुगुनी आपका 90 आ जा रहा है, यानी आपका जीरो आ गया। ओके, तो अभी आपका ख़त्म नहीं होगा, यहाँ बनाते हैं। ओके, आप लोग को फॉर्मूला वाला वीडियो में बता चुके हैं कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है और कौन शेषफल है। देखिए ये हो गया आपका भाज्य, भाज्य यानी ये भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका भाज्य उत्तर आ जाएगा। ओके, तो लिखिए 225 इक्वल टू में लिखेंगे ये गुना ये और प्लस जोड़ कीजिए, 135 गुना एक और जोड़ जो आपका शेषफल आया 90। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। फिर 135 लीजिए, 135 बराबर 90 गुने एक प्लस 45, 90 गुने एक और प्लस 45। फिर लीजिए 90 बराबर बीच बीच वाला लेना। ओके, 90 45 गुना दो और प्लस जीरो, आपका जीरो आ गया और तो है नहीं। देखिए एक बार 225 का लिए, एक बार 135 का लिए, एक बार 90 का लिए, यानी हम लोग जानते हैं एचसीएफ ई वाला उत्तर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए यानी लास्ट के जो फर्स्ट वाला आता है वही आपका उत्तर हो गया। तो हम लोग लिखिए, अतः जो क्वेश्चन दे रखे 135 और 225, 135 और 225 का एच सी एफ कितना आ गया, आपका 45 आ गया, और यही हो गया 45 आपका उत्तर। ओके, ये आपका एक नंबर है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की, चलते हैं एक का दो नंबर क्वेश्चन। एक का दो नंबर क्वेश्चन दे रखे 196 और 38 220। ओके, और आपको ये वाला बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, तो चलिए जो सबसे बड़े रहता है उसको बीच में लेना है 196। अब देखिए 196 को किससे गुना करेंगे कि 38 220 आ जाएगा, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग छोटा करके करते हैं। देखिए 196 को अगर दो बार ले लेते हैं तो करीब 400 आ जाएगा, तो हम लोग एक बार में चला लेते हैं 196। ओके, फिर घटाइए, 12 में 6 गया आपका 6 बचा, हाथ में रहा 1, यानी आपका 17 में 9 गया आपका बचा 1, इधर आपका 186। चलिए फिर अब हम लोग यहाँ पर दो उतार लेते हैं। अब देखिए 196 से किससे गुना करें, ठीक है, इसके लेवल या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए 196 और हम लोग 9 से गुना करके देखते हैं। ओके, 6 9 54 हाथ में रहा 5, 9 9 81 और 5 आपका हो गया 86, हाथ में रहा 8, 9 91 और 8 आपका हो गया 17, यानी 1764 यहाँ पर लिखिए। इसको घटाइए, 12 में 4 चला गया तब का 8 बचा, हाथ में रहा 1, यानी आपका हो गया 9, फिर हाथ में रहा 1, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग 0 को उतार दीजिए। ओके, यहाँ पर आपका 9 होना चाहिए। 196 के साथ किससे गुना करेंगे कि 980
आ जाए। तो देखिए 196 को हम लोग 5 से गुना करते हैं क्योंकि 5 × 6 = 30 आने की संभावना है। 5 × 6 = 30 हाथ में रहा 3। ओके 9 × 5 = 45 और 3 × 48 हाथ में रहा 4। 5 × 5 और 4 × 9 यानी 980 आपका आ गया। कितना बार में आए? यहाँ पर आया आपका 5 बार में। ओके तो यहाँ पर आपका कटकुट हो गया यानी खत्म हो गया। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। इतना बनाने के बाद आपको जो भाज्य है उसको लेना है। 38 × 220 इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 196 गुना 195 और प्लस 0 तो आपका उत्तर आ जाएगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं 196 और 38 × 220 का HCF कितना हो जाएगा? ये वाला 196 ही आपका हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला आपका 196 है, आपका 196 ही हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 1 का 3 नंबर की ओर। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दे रखे हैं 867 और 255। जो सबसे बड़े रहते हैं उसको बीच में लेने का नियम है। ओके यहाँ पर देखिए कितना बार में चलेगा? 255 यानी 250 आप मान लीजिए तो 3 बार में आप गुना करके देख सकते हैं। 255 को 3 बार में। ओके 3 × 5 = 15 हाथ में रहे 3 × 5 = 15 16 हाथ में रहे 3 × 2 = 6 = 7 बिल्कुल चल जाएगा 3 बार में। कितना? 765। देखिए 7 में 5 गया तो आपका 2 बज गया। फिर आपका कोई हाथ में नहीं 0 हो गया और आपका 1 यानी 102 बज गया। फिर ऐसे करके आप 255 का आपको यहाँ पर लेना है। देखिए 102 अगर 2 बार गुना करेंगे आपको आ जाएगा 204। ओके अब देखिए यहाँ पर 5 में 4 गए 1 बचा यानी आपका 5 ही बच गया। अब फिर आप 102 को यहाँ लाइए। देखिए 51 को 2 बार गुना करेंगे तो आपका 102 आपका आ जाएगा यानी आपका यहीं पर समाप्त तो हो गया। चलिए अब हम लोग बना दीजिए सेम लिखेंगे। 867 को लिखेंगे इक्वल टू में ये गुना ई और ये आपका प्लस में हो जाएंगे यानी 255 गुने 3 और प्लस आपको 102 लिखना है। फिर लिखना 255 तो 255 बराबर 102 गुने 2 और प्लस 151 और प्लस आपको लिखना है 51। लास्ट में लिखना 102 इक्वल 51 गुने 2 प्लस 0। ओके यानी आपका 51 हो जाएगा उत्तर। तो क्वेश्चन लिखिए। अतः का HCF आपका 51 हो जाएगा उत्तर। ओके अब चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। मेरा दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 6q+1, 6q+2 और 6q+3। ओके यही तो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। सॉरी 6q+3 है और 6q+5 है। ओके अब देखिए ये चीज आपको दोनों लिखना ही पड़ेगा बार बार विभाजन एल्गोरिथम से। और देखिए ये जो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में है देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा है 6 यहाँ पर bq+r यही तो आपको नजर आ रहा है ना। तो देखिए आपको ये रूप आपको दिखाना है यानी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखे हैं यानी bq+r यानी b तो यानी ये आपका 6 यानी b के जगह हम 6 रख सकते हैं। तो हम लोग लिख लीजिए कि b का मान 6 रखने पर। ओके b का मान 6 रखने पर और हम लोग लिख दीजिए a बराबर b के जगह 6 रखेंगे तो जहां b दिखाई देते हैं वहीं पर हम लोग 6 रख दीजिए। तो 6q+r फिर लीजिए से बड़ा r फिर b को यहाँ पर 6 रखना है। चलिए इतना तो मेरा हो गया a बराबर bq+r यानी अब हम लोग r का मान क्या रखेंगे? देखिए यहाँ पर r का मान 1 रख देंगे 3 रख देंगे और 5 दे रख देंगे जो क्वेश्चन के मुताबिक ही रख रहे हैं। तो फिर लिखिए कि r का मान 1, 3, 5 रखने पर। ओके 1, 3 और 5 रखने पर तो इसको सेम लिखिए a बराबर बी बी के जगह तो हम लोग 6 ले चुके हैं इन हमको इसको देखना। अब बी क्यू प्लस आर फर्स्ट वाला ले लीजिए 1 फिर लीजिए a बराबर 6q
प्लस और आर की जगह आपको लेना है 3। फिर तीसरा में लीजिए ए बराबर 6q प्लस आर यानी प्लस 5। देखिए तो इसी रूप में आपको दिखाई दे रही है, आपको इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिखिए आप क्वेश्चन देखकर कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां कोई पूर्णांक है आपको क्वेश्चन देखकर लिख देना है। तो चलिए हम यहां पर आपको लिख कर दिखा देते हैं। यही हो गया आपका उत्तर। ओके, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ कि वो कोई पूर्णांक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखे है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। देखिए ये आपका पंक्ति हो गया। ओके, ये आपका पंक्ति हो गया और ये आपका स्तंभ हो गया, हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए आपको बोल रहे हैं इसमें 616 आपको सदस्य है, 616 सदस्य है और इसमें 32 सदस्यों की आर्मी के पेड़, यानी एक जो पंक्ति में ना आपको 32 सदस्य देना है, एक पंक्ति में आपको 32 सदस्य मार्च कर रहे हैं, तो आपको आपको बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या और समान स्तंभों में मार्च करना है। लेकिन दोनों ये जो पंक्ति भी समान होना चाहिए और स्तंभ भी आपका समान होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अधिकतम आपको स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है, यानी आपको स्तंभों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला आपको बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 216 और 32। तो देखिए 616 और 32 का हम लोग एचसीएफ चला लेते हैं, यही सबसे बेटर होंगी। ओके, तो देखिए 32 और आपको 616 किससे जाएगा, हम लोग शॉर्ट में लगा लीजिए। 32 × 64 उतना तो है नहीं, हम लोग एक बार में चलाइए 32×32। ओके, देखिए आपको अगर 11 में 2 चला गया आपका 9 बच गया, यानी 4 हो गया, आपको यहाँ 2 बच गया, फिर हम लोग 6 उतार दीजिए। अब हम लोग किससे जाएगा, यानी 32 को किससे गुना करेंगे, आप 8 से गुना कीजिए ना, 32 को 8 से। ओके, 8×2 = 16 हाथ में रहा 1, 8 × 3 = 24 = 25 आपका 256। अगर हम 9 से गुना करके देखते हैं यदि आ जाए। ओके, देखिए 9×2 = 18 हाथ में रहा 1, 3×9 = 27 = 28 आ जा रहा, यानी हम लोग 9 से गुना करके देखते हैं तो मेरा 288 आ गया। फिर इसको लेस कर दीजिए, 16 में 8 गया तो आपका 8 बचा, 9 हो गया, यहाँ पर आपका 0 बच के सब आपका 0 खत्म हो जाएगा। ओके, अब चलिए आप 32 यहाँ पर ले लीजिए, देखिए 4×8 आपका 32 पूरा पूरी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर हम लोग वही रूल अपना दीजिए। ओके, अब 616 लिखकर 32×19 और प्लस करेंगे 8। ओके, लिखिए 616 = 32×19 और प्लस आपको 8 करना, जो शेषफल बचेगा। फिर लिखिए 32 बराबर 8×4 और प्लस 0। ओके, तो आपका स्तंभों की संख्या हो जाएगा 8, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोले हैं कि स्तंभ का अधिकतम संख्या कितना है, तो यहाँ पर लिखिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका हो जाएगा 8। ओके, आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, बोरे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होते हैं। देखिए आपको 3m या 3m+1 के रूप में आपको लाना है। ओके, और आपको वर्ग भी करना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। और देखिए आपको ये चीज़ आपको बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, विभाजन एल्गोरिथम से और a बराबर bq प्लस आर, ओ लेस देन आर लेस देन बी, यानी ओ से आर बड़ा है और आर से बी बड़ा है। ओके,
हम लोग को निकालना है, यानी 3m, यानी देखिए 3m प्लस 1 इसको पहले हम लोग करते हैं, ओके 3m प्लस 1 देखिए तो ये आपका रूप में नहीं आ रहा है, a बराबर bq प्लस r, यानी हम लोग m, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, a b c m कुछ भी ले सकते हैं, तो ये रूप में आ रहा, तो फर्स्ट में आपका 3 है और फर्स्ट में 3 है, यानी b का मान हम लोग 3 रख लेते हैं, ओके तो चलिए रखते हैं b का मान 3 रखने पर, b का मान 3 रखने पर, ओके तो ये रूप हम लोग लिख लीजिए, देखिए a बराबर सेम लिखी, यानी b के जगह अब हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि b का मान अब 3 लिए हैं, तो 3 जहां पर b दिखाई देते हैं वहीं पर अब हम लोग को 3 लिखना है, ओके अब देखिए इतना तो हो गया, अब हम लोग r क्या रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे, तो r का मान इसमें कुछ नहीं, यानी वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, अब 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाए, तो हम लोग r का मान 1 और 2 रख लेते, ओके अब फिर लिखिए कि r का मान 1 और 2 रखने पर, इसको कोई जरूरत है नहीं, r का मान 1 और 2 रखने पर, ओके r का मान 1 और 2 रखने पर, इसी रूप में लिखिए, ओके a बराबर 3q प्लस r के जगह एक बार 1 बैठा दीजिए, फिर लिखिए a बराबर 3q और r के जगह एक बार 2 बैठा देंगे, ओके अब इसको वर्ग करने पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए कि वर्ग करने पर, ओके दोनों का आपको वर्ग करना है, आपको इसको एक बार वर्ग करना है और आपको इसको एक बार वर्ग करना है, तो चलिए करके आप लोग को दिखाते हैं, फर्स्ट इसको ले लेते हैं a बराबर 3q प्लस 1, इन वर्ग करने पर वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होते हैं, यानी इसको सपोज a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख कर दिखाते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होते a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर, आपको माइनस रहेगा तो a माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात बराबर है, तो सपोज हम लोग इसके एक मिनट के लिए a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये ना हम लोग ये फार्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे, ओके देखिए ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि 3q का स्क्वायर, ओके प्लस 2ab, तो प्लस 2 a का मान हो जाएगा 3 और b का 1 और प्लस b स्क्वायर, यानी आपको लेना है 1 का स्क्वायर, ओके अब देखिए 3 को दो बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, लेकिन q को भी दो बार गुना करेंगे, फिर प्लस कीजिए 2 तिया 6, यानी 6 q 1 का कोई गुना में वैल्यू नहीं, और 1 को जितना बार गुना कीजिए आपको 1 ही हो जाएगा, ओके अब देखिए हम लोग लाना है 3m या 3m प्लस 1, दोनों में से हम लोग को तो यही लाना है ना, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे कि हम लोग का 3m या 3m प्लस कॉमन में आ जाए, तो देखिए इसमें से भी 3 कॉमन जाएगा, इसमें से भी 3 जाएंगे, यानी हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, ओके 3 कॉमन ले लेते हैं, और देखिए 3 जाना ही और q स्क्वायर को ही रख देते हैं, और 3 2 जा 6 और q को भी वही रख देते, और देखिए 3 से तो 1 कॉमन नहीं जाएगा, इसको ब्रेकेट के बाहर ही रख दीजिए, अब चलिए हम लोग यहाँ हम लोग आ जाते हैं, ओके अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुने हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि 3 गुने, अब देखिए 3q प्लस 2q के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग m x y z कुछ भी, तब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m या 3m प्लस 1, तो हम लोग इसके चलते हम लोग 3m मान लेते हैं, m और प्लस 1 हम लोग, देखिए अभी हड़बड़ाइए मत, देखिए इसके चलते हम लोग m माने हैं, तो हम लोग लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर और प्लस 2q इक्वल टू हम लोग m ले लिए, ओके इक्वल टू m ले लिए, क्योंकि 3 और इसके जगह पर हम लोग m लिख लिए, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख दूँ स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, यानी इसके जगह m बिठा दिए और प्लस 1 को प्लस 1 ही रख दिए, तो इसको गुना कीजिए 3m प्लस 1, देखिए हम लोग एक तो रूप आ गया, और हम लोग दूसरा को कैलकुलेट करते हैं, ओके चलिए इसको आप वर्ग करके दिखाते हैं 3q और प्लस 2 का स्क्वायर, ओके इतना तक तो आपका हो गया, चलिए सपोज फिर इसको a और इसको b मान लेते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो चलिए लीजिए यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab और
और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, तीन तिया नौ आपका नौ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो तिया छः और छः दोगुनी बारह क्यू हो जाएगा, और दो दो आपका चार हो जाएगा। अब हम लोग को कॉमन लेना है, किससे कॉमन लेंगे, थ्री लाना है, तो चलो थ्री से कॉमन लीजिए। ओके चलो थ्री यानी तीन तिया नौ आपका क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, और तीन चरे बारह आपका क्यू रह जाएगा, और देखिए तीन एक के तीन आपका यहाँ पर और यहाँ पर आपका एक रह जाएगा। ओके अब चलिए थ्री यहाँ पर कुछ नहीं गुना है, और इसके जगह हम लोग एम ले लेते हैं और प्लस एक को प्लस एक ही रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख के दिखा देते हैं, तो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इक्वल टू एम, यानी इसके जगह हम लोग एम लिए, इसीलिए हम लोग लिख कर दिखा दिए। तो देखिए थ्री एम प्लस वन, देखिए दोनों एक ही रूप में आ गया, और आपको क्वेश्चन में ही बोले हैं कि थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन देख कर लिख देना है यहाँ से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिखकर दिखाते हैं, है यही हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर आ जाते हैं। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन बोले हैं 9m, 9m प्लस वन या 9m प्लस एट के रूप का होता है। देखिए यानी आपको लाना है इसमें 9m, 9m प्लस वन या 9m प्लस एट, यानी आपको घन करना है। तो देखिए इसमें से घन कैसे करते हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये चीज़ आपको बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से, ओके विभाजन एल्गोरिथम से, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ओ से बड़ा तो आपका आर है और आर से बड़ा आपका बी है। ओके अब देखिए यहाँ पर ये मान आपका आ गया, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपको ये मान या ये मान आपको लाना है। तो देखिए यानी b के जगह हम लोग 9 रख सकते हैं। अगर हम लोग 9 रख लेते हैं और 9 का घन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, जिससे आपको कॉमन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग b का मान 9 न रखते हुए हम लोग 3 रख लेते हैं। ओके 9 न रखते हुए हम लोग 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पर b का मान 3 रखने पर, ओके b का मान 3 रखने पर, यानी जहाँ b दिखाई देते वहीं पर हम लोग 3 बैठा देंगे। तो a बराबर यहाँ पर b के जगह हम लोग 3 बैठा दीजिए और सेम लिख दीजिए। ओके फिर यहाँ पर b के जगह हम लोग 3, अब b अब r क्या मानेंगे, देखिए यानी 0 का अगर घन करेंगे तो आपका 0 ही होंगे, और 1 का घन करेंगे तो आपका 1 ही होंगे, और 2 का घन करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी हमको लास्ट वाला देखना है। तो हम लोग r का मान ले लेते हैं 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, ओके 0, 1 और 2। अब बैठा दीजिए a बराबर 3q, यानी r के जगह लेंगे 0, फिर लीजिए a बराबर 3q, r के जगह लीजिए 1, फिर a बराबर 3q, r के जगह लेंगे 2, और ये तीनों का आपको वर्ग करके ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिखते हैं घन बोले हैं, ओके घन बोले आपको घन करने पर, तो चलिए फर्स्ट का घन करते हैं, तो 3q प्लस 0, ओके तो देखिए 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग उतना कैलकुलेट क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 3q का क्यूब। ओके आई होप आप समझ पा रहे हैं, 3q का क्यूब हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0 को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आपको बताते हैं। ओके देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलिए सपोज हम लोग ये तो एक गो है ये है, ये तो a प्लस बी के रूप में है नहीं, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं 3 3 3, अगर गुना करेंगे तो आपका 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा। इसको कॉमन किससे लेंगे, हमको तो 9 लाना है ना, तो 9 कॉमन ले लेते हैं,
ओके देखिए 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9 थ्री जा आपको 27 आ जाएगा और क्यू क्यूब आपको यही रख देते हैं। देखिए 9 को 9 यहाँ पर कुछ नहीं मैंने गुना है और इसके जगह आप लोग को एम 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 दे रखी है तो हम इसके जगह एम ले लेते हैं और आपको ब्रेकेट में लिख कर दिखाते हैं कि 3 क्यू क्यूब के जगह हम लोग एम ले लिए हैं। ओके यानी मेरा क्या आ गया यहाँ पर आ गया मेरा 9m। देखिए ये 9m के रूप में आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा और तीसरा को सोल्यूशन करके दिखाते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ओके चलिए दूसरा को कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको है 3q+1 का होल क्यूब। देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आ गया। तो सपोज इसको अभी एक मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ओके देखिए ए क्यूब हम लोग लिखते हैं 3q का स्क्वायर प्लस b का मान आपका 1 हो जाएगा प्लस 3a का मान हो जाएगा आपका 3q b क्यूब आपका हो जाएगा a क्यूब और प्लस दे रखे हैं a क्यूब है वाला। ओके और b क्यूब मतलब आपका हो जाएगा a क्यूब। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 आपका 27 का क्यूब क्यूब हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें से आपको 9 मिल गया क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया आपका 27 लेकिन क्यू का स्क्वायर आपका रहेगा ही गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं यानी 3 तिया आपका 9 क्यू हो गया और 1 का गुना में सिर्फ 1 ही होंगे। तो कॉमन हम किससे लें हम 9 कॉमन ले लेते हैं। ओके 9 अब देखिए 9 3 जा 27 और क्यू क्यूब को रखिए 9 3 जा आपका क्यू स्क्वायर हो गया और 9 तो यहाँ पर ले लिए सिर्फ क्यूब बच गया और 1 को आप बाहर में ही रखिए क्योंकि यहाँ पर तो 9 है नहीं। और सेम कीजिए 9 को 9 रखिए और इसके जगह हम लोग m ले लेते हैं। ओके और यहाँ पर इसके जगह m ले लिए और प्लस 1 को प्लस 1 ही रखिए और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि 3q³ + 3q² और प्लस 9 के जगह हम लोग m ले लिए। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3m+1 यही रूप आ गया। अब चलिए तीसरा एंड लास्ट वाला हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ओके चलिए 3q+2 का होल क्यूब यही तो करना है हम लोग का। फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया अब थर्ड वाला चलते हैं। सेम इसको a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं। ओके चलिए यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे a³ + 3a² b + 3ab² 3a² और प्लस आपको करना है b³। ये आपका क्यूब है। ओके चलिए सेम लिखते हैं 3 9 27 हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 3 3 आपको 3 बार गुना करना है। ओके फिर अब इसमें लिखिए इसमें आपका 3 3 9 आ गया 3 3 9 9 और आपका 9 हो गया और 9 को 3 बार गुना करें 27 आ जाएगा और 27 को 2 बार गुना करेंगे आपका 54 आ जाएगा लेकिन आपका क्यूब स्क्वायर रहेगा ही। फिर प्लस कीजिए देखिए इसमें से आपका 2 2 गुनी 4 आ गया 4 3 12 और 12 3 आपका 36 हो गया यहाँ पर क्यू 1 गो है और प्लस 2 2 गुना करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ओके चलिए आप 9 से ही कॉमन लेते हैं 3 से क्यूब रह जाएगा प्लस की 9 को 54 यानी 6 9 54 आपका क्यू स्क्वायर रह जाएगा और 4 9 36 और 8 आपका नहीं जाएगा यानी आपका 8 ही रह जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पर कुछ नहीं मैंने गुना इसके जगह हम लोग m ले लेते हैं और प्लस 8। अब इसका हम लोग लिख कर दिखा देते हैं। ओके कि 3q³ + 6q² और प्लस 9 4q है इक्वल टू हम लोग m ले लिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 9m और प्लस 8। अब देखिए क्वेश्चन में आपको यही बोले हैं कि 9m यहाँ पर 9m आ गया फिर बोले हैं कि 9m+1 देखिए यहाँ पर 9m+1 आ गया फिर बोले हैं 9m+8 देखिए 9m+8 के रूप में होते हैं तो हम लोग क्वेश्चन देख कर लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है।
ओके आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 3 के रूप का होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।